वोट जिताऊ फॉर्मूले का हर सूत्र जाति से शुरू होता है और यहीं पर खत्म भी हो जाता है। हम इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं लेकिन नजरअंदाज करना मुश्किल है। भले ही कुछ राजनीतिक दल ये दावा करें कि वो जाति जमात की राजनीति नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ कहने भर की बातें हैं। ओबीसी लिस्ट के मुद्दे पर संसद में अचानक सियासी मौसम का बदल जाना इसका सबूत है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई को शुरू हुआ था, तब से लगातार दोनों सदनों में हंगामा हो रहा था, विपक्ष आर पार के मूड में था। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही मोदी सरकार ने राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल संसद में पेश किया तो विरोधियों के तेवर बदल गए। इस 127वें संविधान संशोधन बिल का विरोधी दलों ने समर्थन कर दिया, हंगामा हवा हो गया है। पहली बार इस सत्र में किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है क्योंकि सवाल वोट का है। देश भर की कुल आबादी में ओबीसी की तादाद करीब 41% की है, तो यूपी में तो ओबीसी आबादी करीब 54 है। इस वोट बैंक पर हर दल की दावेदारी है लेकिन भाजपा अब मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी है। यूपी चुनाव के लिए भाजपा का मास्टर स्ट्रोक। बिना जाति का नाम लिए हर जाति का काम, सोशल इंजीनियरिंग का सीक्रेट दांव, विरोधियों के सफाए की सबसे बड़ी तैयारी। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई। मुफ्त और सस्ता अनाज, मुफ्त गैस कनेक्शन, किसानों को सम्मान निधि, बेघरों को घर का तोहफा, शौचालय से लेकर नल जल तक, सिंचाई से सस्ते खाद बीज तक, यूपी के गांव गांव घर घर तक राहत संदेश। जाति न पूछो वोटर की, कर दीजो काम, मिशन 350 के लिए 100% वोट प्लान। बात तो चुभेगी,